हेलो फ्रेंड्स दिस इज इराजी एजुकेशन एंड आज हम बात करेंगे अबाउट द विजन ऑफ टीचर एजुकेशन करिकुलम इन करिकुलम डॉक्यूमेंट्स ऑफ एनसीआर एन सी टी एट एलिमेंट्री सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल्स सो एज वी नो डैट टीचर एजुकेशन हैज़ टू बिकम मोर सेंसिटिव टू द इमर्जिंग डिमांड फ्रॉम द स्कूल सिस्टम

जो है वो और भी ज़्यादा फ्रेम होता चला जा रहा है ओबियसली ये एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जैसा स्कूल सिस्टम होगा जैसे स्कूल का करिकुलम होगा जैसा कि स्कूल की का फॉर्मल इन्वयमेंट का होगा उसके हिसाब से ही टीचर एजुकेशन का भी करिकुलम डिज़ाइन होगा ओके okay. तो एनसीटी ने न, न, ये एन सी ई आर टी के साथ कोलैबोरेट करके मिलकर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ टीचर एजुकेशन बनाया ओके okay, जिसके अंदर साफ साफ विज़न दिया हुआ है अबाउट द टीचर एजुकेशन करिकुलम कि टीचर एजुकेशन करिकुलम जो स्ट्रक्चर हुआ है जो डिज़ाइन हुआ है उसको क्या मद्देनज़र रखे उसके विज़न क्या हैं ओके okay, और ये आपके एन जे के सिलेबस में भी है ओके okay, तो देखते हैं so first is towards the national system of teacher education. therefore, should be to bring the various program of teacher education currently available and context of a school education under one umbrella called the national system of teacher education. as there exists a national system of school education, so there should be a national system of the education of teacher. this national system should be able to provide a broad framework within which state-specific एंड अदर लोकल कंडीशन कैन सुटेबली इन्फॉर्म द फॉर्मुलेशन ऑफ मोर स्पेसिफिक टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड स्ट्रैटीज़ टूवर्ड्स नेशनल सिस्टम ऑफ टीचर एजुकेशन जिस तरह से नैशनल सिस्टम ऑफ फॉर स्कूल एजुकेशन है जिस तरह से नेशनल सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन है उसी तरह से नैशनल सिस्टम फॉर द एजुकेशन ऑफ टीचर बनाना ये वन ऑफ द विज़न ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट या स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशन करिकुलम है ओके नेशनल सिस्टम देना मतलब हर जगह सेम होना नेशनल स्ट्रक्चर होना उसका नेशनल सिस्टम होना टीचर एजुकेशन जिस तरह से स्कूल uh, करिकुलम बनाने का भी जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो नेशनल सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन है ना सेकेंड द विजन ऑफ टीचर एंड स्कूल द विजन ऑफ स्कूल एजुकेशन शुड बी I'm sorry. The vision of teacher education should be in keeping with the vision of the teacher and school. Given the extensive articulation of the lear learner, learning, teaching, and a teacher, this document on the curriculum framework for teacher education need to be read alongside the NCF 2005. The aim of teacher education is how to create conditions of learning that can facilitate the development of such efficient teachers. The vision of teacher and school. जो विज़न है टीचर एजुकेशन करिकुलम का वो कोइंसाइड करना चाहिए मिलना चाहिए विद द विज़न ऑफ टीचर एंड स्कूल जो टीचर uh, एजुकेशन है ये मैंने पहले ही बताया कि शुड बी इन कीपिंग विद द विज़न ऑफ टीचर एंड स्कूल ठीक है एक ये जो डॉक्यूमेंट है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन उसको पढ़ना चाहिए उसको जब डिज़ाइन कर रहे हैं या उसको हम मद्देनजर रखेंगे किसके साथ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टू थाउजेंड फाइव के साथ ठीक है तो दिस इज वन ऑफ द विजन ऑफ टीचर एजुकेशन करिकुलम ओके दे थर्ड इज नेचर ऑफ एडल्ट लर्निंग लिसन द करिकुलम ऑफ टीचर एजुकेशन इज़ टू बी बेस्ड ऑन एन अंडरस्टैंडिंग एंड आर्टिकुलेशन ऑफ द वे इन विच एडल्ट लर्न एंड डेवलप exponents on adult learning believe that the approach to teaching adults should differ from that of the children since adults differ in a number of important ways that affect learning and thereby the approach they adopt to learn since the pedagogical method used for teaching children are not quite suitable for the education of teachers uh, andrological method need to be based on the typical characteristic of how adults make meaning एडल्ट लर्नर्स आर ऑटोनोमस एंड सेल्फ डायरेक्टेड हैवे अ वास्ट अमाउंट ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेज एंड नॉलेज आर इन्क्लाइन टू बी प्राग्मेटिक एंड गोल डायरेक्टेड एंड रिस्पॉन्ड बेटर टू लर्निंग इफ दे लर्निंग इज़ प्रॉब्लम लाइफ और टास्क ओरिएंटेड जो नेचर ऑफ एडल्ट लर्निंग मीन्स जो बी एड या एम एड करने आए हैं या जो बी एल एड डी एलेट, कोई भी जो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को कर रहा है ओब्वियस बात है वो बच्चा तो है नहीं वो एटीन ईयर्स एबव होते हैं वो ट्वेंटी ईयर्स एबव होते हैं मतलब वो के एडल्ट होते हैं तो हम उनको पैडागोजी पढ़ाएंगे वो बच्चे वाले मेथड से पढ़ाएंगे तो क्या उनकी लर्निंग हो पाएगी नहीं उनके लिए एंड्रोगोजिकल मेथड यूज़ करना है मतलब वे ऑफ टीचिंग एडल्ट्स ठीक है जो एडल्ट की लर्निंग स्ट्रैटी होती है जो उनके एक्सपीरियंस होते हैं वो अलग होते हैं वो प्रैग्मेटिक होते हैं नेचर में गोल डायरेक्टेड होते हैं है ना वो रिस्पॉन्ड ज़्यादा बेटर कर सकते हैं लर्निंग को अगर लर्निंग जो है वो प्रॉब्लम लाइफ या टास्क ओरिएंटेड है जो जो एडल्ट होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकर होते हैं वो कॉन्क्रीट थिंकर तो होते नहीं हैं ठीक है उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है है ना उनके पास समझने की लर्निंग स्ट्रैटी अंडरस्टैंडिंग नॉलेज हर एक चीज़ ज़्यादा होती है तो उनको बच्चे के तरीके से पढ़ाना सही नहीं है बल्कि उनको उनके तरीके से पढ़ाना है मतलब एडल्ट को एडल्ट के तरीके से पढ़ाया जाए ओके okay? तो दिस इज़ वन ऑफ द विजन ऑफ टीचर एजुकेशन करिकुलम ओके Fourth one is need for unlearning. Since the life circumstances of one learner differ from that of another learner, there would be difference in their learning. Certain basic beliefs, attitude, values, and life skills are available which, uh, with each learner, for a teacher educator to work with. However, not all beliefs, attitude, values, and life skill of a learner need be in keeping with the requirement for becoming an effective teacher. Uh, where contradiction exists between the required and the available, it would necessarily require a challenging of assumptions along with a process of unlearning. Need for unlearning here means that uh, since um, the learner of um, pre-service teacher education means B.A.D.M.N., is an um, those are adult people. Okay, so uh, as we studied um, earlier that they have lots of experience. दे हैव लॉट्स ऑफ बिलीव एटीट्यूड वैल्यूज़ लाइफ स्किल्स ओके देव लॉट ऑफ नॉलेज सो सिंस दे हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस तो उनके पास क्या है कि उन एक्सपीरियंस में बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी जो उन्होंने लर्न की हुई है ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत इफ़ेक्टिव हों के टीचिंग लर्निंग में या उनके पढ़ाने के तरीकों में उनके मे जो वो मेथडोलॉजी यूज़ करेंगे उनमें तो कुछ कुछ चीज़ों को अनलर्न करने की ज़रूरत है तब जाके वो एफेक्टिव टीचर बन सकते हैं उन्हें बस उन्हीं चीज़ों को उन्हीं लाइफ स्किल्स को उन्हीं बिलीव को उन्हीं एटीट्यूड उन्हीं वैल्यूज़ को रखना है जो कि रिक्वायरमेंट है फॉर बिकमिंग एन एफेक्टिव टीचर ठीक है ज़रूरी नहीं है कि जो अवेलेबल है वही रिक्वायर्ड भी हो जितनी चीज़ अवेलेबल में जो आपको सही लगती है जो आपका प्रॉपर है उसको आप लर्न किए रहिए और जो लगता है कि हाँ जैसे कि आ, बहुत लोगों में फिलर्स आते हैं मुझे भी पढ़ाने के वक्त फिलर्स होते हैं लाइक दिस वर्ड लाइक 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 मैं बोलती रहती हूँ तो दिस इज़ रॉन्ग ओके सो हमें इन चीज़ों को ख़त्म करना है इसे अनलर्न करना है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसे अनलर्न कर लूँ तो दिस इज़ द वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफेक्टिव टीचर ओके कि वो चीज़ों को अनलर्न करना जो कि उनके एक्सपीरियंस में या जो उनके आदतों में है जो कि सही नहीं है उनके इफेक्टिव टीचर बनने के लिए तो दिस इज़ वन ऑफ द विजन ऑफ टीचर एजुकेशन कैरिकुलम फिफ्थ इज रोल मॉडलिंग ऑब्जर्वेशन रिफ्लेक्शन एंड प्रैक्टिस द नेचर ऑफ़ एनी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इन इट्स Substance and methodology is influenced by the way teaching is conceptualized, whether it is scientific endeavor or an artistic one, despite the fact that teacher has a strong foundation of knowledge and skill as a process is called for intuition, improvisation, exp expressiveness, and creativity, uh, the teacher education curriculum must provide for both these inseparable aspects of teaching. द करिकुलम ऑफ़ टीचर एजुकेशन मस्ट प्रोवाइड फॉर सफिशेंटली एक्सटेंसिव आवर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचिंग बीग अंडरटेकन बाई रेगुलर टीचर और टीचर एजुकेटर्स जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का जो नेचर है वो इन सब्सटैस एंड मेथोडोलॉजी इन्फ्लुन्स बाई द वे ऑफ टीचिंग इस कॉन्सेप्टलाइज देखो टीचर को बहुत सारी मास्ट्री ओवर द सब्जेक्ट होती है लेकिन उसके साथ मेथड ऑफ़ टीचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपकी मास्टरी वर द सब्जेक्ट है लेकिन मैथडोलॉजी पढ़ाने की यह सही नहीं है तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है शायद सामने वाला बच्चा ठीक से समझ भी ना पाए तो उनके लिए ये है कि द करिकुलम ऑफ टीचर एजुकेशन मज प्रोवाइड फॉर सफिशेंटली एक्सटेंसिव आवर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचिंग बींगरटेकन बाई रेगुलर टीचर और टीचर एजुकेटर तो करिकुलम ऑफ टीचर एजुकेशन क्या कहता है कि एक्सटेंसिव आवर ऑफ़ ऑब्ज़र्वेशन दिया जाए जो टीचर जो जो बी एड या एम एड में जो बच जो बी एड में बच्चे हैं उनको टाइम दिया जाए वो क्लास मतलब और सब एजुकेटर्स को मतलब जो टीचर एजुकेटर हैं उनको ऑब्ज़र्व करें जब वो बच्चे को पढ़ा रहे हों या जो रेगुलर टीचर्स हैं जिस स्कूल में उनकी ट्रेनिंग चल रही है वहाँ जो वहाँ के टीचर्स हैं उनके क्लासेस में पीछे जाके और वो उस, उनके क्लास को ऑब्ज़र्व करें तो ऑब्ज़र्वेशन से वो बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं तो मतलब उनके नॉलेज और स्किल को बढ़ाने के लिए उनके स्किल को और एम्बाइब uh, करने के लिए उनको और फ्रेम करने के लिए देर इज़ नीड फॉर रोल मॉडलिंग ऑब्जर्वेशन रिफ्लेक्शन एंड प्रैक्टिस ओके सिक्स time as a factor in teacher preparation the issue of quality teacher education is closely tied up with the concern for the duration of initial teacher preparation pre service program any form of initial teacher preparation need to be of reasonable duration that provides enough time and opportunity for self study reflection and involved engagement with children the school the classroom and pedagogic activities along with rigorous theoretical study टाइम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है टीचर प्रेपरेशन के लिए तो सीधी बात यह है कि थोरेटिकल स्टडी के साथ साथ उनमें एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग मतलब लर्निंग भी हो ओके okay. उनका इंगेजमेंट विद चिल्ड्रेन भी अच्छा हो स्कूल और क्लासरूम हो के और एक्टिविटी बेस्ड uh, चीज़ें हों पेडोलॉजिक एक्टिविटीज़ मतलब किस तरह से पढ़ाना है किस तरह से जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ उनको करना है किस तरह से लाइक रजिस्टर मेंटेन करना है तो प्रैक्टिकल uh, वर्क भी हो और कोर्स वर्क भी हो मतलब प्रैक्टिकल वर्क भी और कोर्स वर्क भी दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ़ द विज़न ऑफ टीचर एजुकेशन करिकुलम क्योंकि टाइम इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर आप जो प्री सर्विस वाला जो टाइम होता है वहाँ पे जो ड्यूरेशन ऑफ इनिशियल टीचर प्रिपरेशन है इसको प्रैक्टिकल और कोर्स वर्क से टाइड अप रखें और कम टाइम में ज़्यादा प्रैक्टिस प्रैक्टिकल वर्क भी कराएँ और थियोटिकल स्टडी भी कराएँ ताकि एक इफ़ेक्टिव टीचर पैदा हो सके। ओके सेवेंथ वन इज़ डायलिक्टिकल प्रोसेस इन टीचर एजुकेशन

एक डायलेक्टिकल प्रोसेस होनी चाहिए टीचिंग और लर्निंग की भी मतलब जो एक जो टीचर स्टूडेंट टीचर है वो लर्नर है है ना वो लर्नर है सो so, जो जो टीचिंग हो और जो लर्निंग हो वो प्रैक्टिकल और आपके कोर्स वर्क को लेते हुए ऑल एस्पेक्ट ऑफ टीचर एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करें ठीक है एक और जो कोर्स वर्क हो और प्रैक्टिकल के बीच एक रिलेशनशिप uh, हो ऐसा नहीं कि आप कोर्स वर्क में कुछ पढ़ा रहे हैं और प्रैक्टिकल में कुछ करा रहे हैं नहीं दोनों में रिलेशनशिप होनी चाहिए एंड प्रैक्टिस ओके नॉर्मली थ्योरी एंड प्रैक्टिस आर व्यूड एज सेपरेट कम्पोनेट्स इन अ टीचर एजुकेशन करिकुलम हिंस दे आर ऑर्गेनाइज सेपरेटली बोथ इन स्पेस एंड टाइम द एजम्पन इज डैट द इंटीग्रेशन ऑफ द टू वुड हैचुर इन द माइंड ऑफ द लर्नर जैसे कि हमने पहले बताया कि ये सेपरेटली तो काम करेगा ओके आप कोर्स वर्ग अलग देंगे थ्योरी अलग पढ़ाएंगे और प्रैक्टिस अलग कराएंगे लेकिन ये स्पेस एंड टाइम में ये दोनों का इंटीग्रेशन हो जाना है In the mind of the learner, and this is the an effective teacher. Eighth one is content and pedagogy. Student teachers are not expected to examine critically the curriculum framework, syllabus, and textbook because it is assumed that there is nothing fundamentally wrong with the school curriculum as a whole. और विद द सिलेबस ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट इट इज़ ऑल्सो एज्यूम्ड एंड इफ देर आर सर्टेन प्रॉब्लम इन द सलेबस एंड टेक्स बुक नथिंग कैन बी डन अबाउट दिस प्रॉब्लम इन टीचर ट्रेनिंग देर फॉर टीचर्स मस्ट लर्न टू एडजस्ट टू एग्जिस्टिंग रियालिटीज लिस्न जो स्टूडेंट टीचर होता है वो वो मान के चलता है कि जो जो हम करिकुलम फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं या जिसके अकॉर्डिंग हमारी टीचर एजुकेशन की ट्रेनिंग या टीचर प्री सर्विस ट्रेनिंग चल रही है प्री सर्विस एजुकेशन चल रही है वो सही है करेक्ट है उन्हें ये देखने का मौका नहीं मिलता कि जो स्कूल करिकुलम में जो चल रहा है जो स्कूल करिकुलम के जो जो स्कूल का करिकुलम है जो उनका उन उनमें जो वे ऑफ टीचिंग या और भी चीज़ जो करिकुलम में है स्कूल के वो रॉन्ग है या करेक्ट है ठीक है वो ये मान के चलते हैं वो सारी चीज़ें सही है तो स्टूडेंट टीचर को ये भी मौका देना चाहिए कि वो चीजों को क्रिटिकली एग्जामिन कर सकें कि क्या स्कूल करिकुलम एज़ अ होल और विद द सिलेबस ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट इज़ करेक्ट और नॉट ठीक है Uh, on the contrary, uh, on the contrary, if we believe that teachers need to be constantly reflect on subject content and learn to respond to the need of children, then it, then it is important that teacher education program provide opportunities for trainees to examine their school curriculum and text material more critically and design pedagogy that is suitable to a given context. teacher educator To, okay, for... examine the school curriculum and text material more critically and design pedagogy that is suitable to a given context वो आ, जो young जो pre-service teacher training में आते हैं वो young generation हैं वो young लोग हैं वो आ, इन चीजों को जो curriculum हैं वो अगर critically उस चीजों का examine करें तो शायद कुछ new ideas मतलब आ सकती हैं ठीक है तो उसको देखना चाहिए इन्हें भी मौका देना चाहिए कि वो क्रिटिकली एग्जामिन कर सके करिकुलम को स्कूल के और टेक्स्ट मटेरियल्स को ओके नाइन्थ वन इज नीड फॉर इंकरेजिंग सेल्फ अप्रेजल एंड सेल्फ लर्निंग इट इज़ इम्पॉर्टेंट डेट अ टीचर होल्ड हर सेल्फ अकाउंटेबल फॉर हेल्पिंग चिल्ड्रेन लर्न एंड डेवलप दिस इंक्लूड टीचर्स टेकिंग पॉजिटिव स्टेप्स

टीचर बनना चाहता है जो कि बी कर रहा है एम कर रहा है ओके बी एल एड कोई भी टीचर एजुकेशन का कोर्स कर रहा है तो उसको इस चीज़ के लिए अपने माइंड को सेट कर लेना है कि ही और शी इज़ रिस्पांसबल फॉर द चिल्ड्रेन टू लर्न एंड डेवलप वही है जो चिल्ड्रेन का मुस्कबिल बनाएगा ये चीज़ को जहन में रख कर वो अपनी पढ़ाई करें ठीक है वो अगर गलत पढ़ाएगा तो बच्चा गलत सीखेगा तो फ्यूचर गलत चीज़ों पर जाएगा और अगर वो सही पढ़ेगा और सही चीज़ों को पढ़ाएगा तो बच्चा सही और तो या जो हमारे कंट्री की जनरेशन है वो आगे सही तरीके से डेवलप होगी ओके सो देयर शुड बी अ पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स इम्प्रूविंग देयर प्रोफेशनल प्रैक्टिस बेस्ड ऑन मीनिंगफुल फीडबैक एनालिसिस एंड एजुकेशनल आउटकम सेल्फ असेसमेंट ओके and 10th one is evaluation in teacher education the present system of evaluation is th too theoretical also the measurement tend to be excessively quantitative and often at the cost of understanding and estimating the qualitative um, development of a trainee teacher for instance assessing the uh, teaching performance of a trainee in terms of marks and percentages uh, could serve the purpose of examination but not making an analytical statement about the trainee's developing uh, capacities as a teacher. Apart from conceptual and pedagogical aspects, a pre service teacher education program needs to develop or foster certain attitudes, dispositions, habits, and hobbies in a teacher. Evaluation in a, uh, teacher education.

हम एक नॉर्मल मेजरमेंट है हमने एग्जामिनेशन लिया उसको उसमें नंबर्स होते हैं जिसका जो नंबर आया उसके हिसाब से इवैल्यूएशन हो गया किसी का नाइन्टी परसेंट आया किसी का एट्टी फोर परसेंट आया किसी का सिक्सटी परसेंट आया बट ज़रूरी नहीं है कि जो एग्ज़ाम वो तो थियोरेटिकल पेपर है उसमें जो परसेंट आया है जो सिक्सटी या नाइन्टी है वो उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कोई भी आ, को भी डिफ़ाइन uh, कर रहा हो या उसके एक्सपीरियंस को भी डिफ़ाइन कर रहा हो या उसके स्किल को भी डिफ़ाइन कर रहा हो तो ये बिल्कुल ही मतलब बहुत ही थियोटिकल हो जाता है जो इवेलुएशन का मेथड है ओके okay, तो अगर हम इवेलुएट कर रहे हैं टीचर एजुकेशन को तो सिर्फ थियोटिकल कॉन्सेप्ट को ना लेके बस वो न्यूमेरिकल वो मेजरमेंट जो थियोटिकल uh, पेपर के थ्रू है उसको ना देख के बल्कि हम उनके अदर कॉन्सेपच्चुअल एंड पेडोलॉजिकल एस्पेक्ट को देखेंगे ये देखेंगे कि वो किस तरह से पढ़ा रहे हैं उनकी वे ऑफ टीचिंग कैसी है ठीक है और उन उसका एटीट्यूड क्या, क्या है उसके हैबिट्स क्या है उसके हॉबीज़ क्या है वो किस तरह से बच्चों को इन्फ्लुएंस कर पा रहा है वो सारे एस्पेक्ट्स ज़्यादा मैटर करते हैं उसके अपने सब्जेक्ट में मास्टरी कितनी है ठीक है तो ये सारी चीज़ें भी इवेल्यूएशन का एस्पेक्ट होना चाहिए इन चीज़ों को जी... मतलब कि क्वान्टिटेटिव एस्पेक्ट के साथ हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी देखेंगे इवेल्यूएशन का in teacher education this is one of this is also one of the vision of teacher education curriculum and the 11th one is a perspective of pre service and in service teacher education um, a curriculum framework need to Articulate a perspective of both pre service and in service teacher uh, education, including continued professional development and research opportunities. It should be able to spell out a system of teacher education that addresses the uh, real need of teachers in terms of classroom support as well as uh, seeking support from existing structures such as the block resource center and cluster resource centers. एज़ अ स्टडी इन द एन पी नाइनटीन एटी सिक्स टीचर एजुकेशन इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस एंड इट्स प्री सर्विस एंड इन सर्विस कम्पोनेंट्स आर इनसेपरेबल टीचर एजुकेशन करिकुलम का ये भी एक विजन है कि उसको ये चीज़ें भी चेक करनी है कि जो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन ले के गया है ओके okay, जिस स्कूल में वो पढ़ा रहा है जिस इंस्टीट्यूट में वो गया है जिस कॉलेज में वो गया है Uh, वहाँ इन सर्विस टीचर एजुकेशन भी हो मतलब कि एक कंटिनियस प्रोसेस की तरह काम करिए टीचर एजुकेशन ठीक है उसका कंटिन डेवलपमेंट होना चाहिए लाइक वहाँ पे रिफ्रेशर कोर्सेज हों उन्हें रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाए खास टीचरों को और उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए एक कंटीनस वर्क होने चाहिए सेमिनार्स वर्कशॉप And uh, different type of courses, refresher courses should be conducted during um, their work. When wo schools wo are in schools, education educational institution, to in-service teacher education be be there. This is also one of the vision of in uh, teacher education curriculum. And the twelfth one is need for multiplicity of players and alternate. Models of teacher education. The pre service teacher education program for preparing secondary school teachers rests largely with universities and with state government agencies for preparing primary school teachers. More recently, private players and NGOs have entered in a big way to meet the increasing demand for qualified teachers. Institutional arrangement and organizational structure enabling such an involvement of multiple players will need to be worked out. देर इज़ ए नीड फॉर मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लेयर्स एंड आल्टरनेट मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन सिर्फ एक स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज या सेंट्रल uh, यूनिवर्सटीज ही जो है वो प्राइमरी स्कूल टीचर्स या सेकेंडरी या हायर स्कूल टीचर्स को प्रपेयर ना करें बल्कि जिस तरह से अभी बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी निकल के आए हैं एन जी ओज निकल के आए हैं इसी तरह से और लोगों को भी मौका दिया जाए और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को भी मौका दिया जाए कि वो टीचर ट्रेनिंग या टीचर एजुकेशन प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोवाइड करें ओके सो देयर इज़ ए नीड फॉर मल्टी मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्लेयर्स मल्टीप्लीसिटी ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ठीक है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स निकल कर आएँ ओके सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ़ द विजन ऑफ टीचर एजुकेशन करिकुलम सो दिस इज ऑल अबाउट टीचर एजुकेशन विजन ऑफ टीचर एजुकेशन करिकुलम बिकॉज दिस फैक्टर ऑल्सो अलाइन विद द विज़न ऑफ होल चाइल्ड एजुकेशन एज वी आर स्टडीड अर्यर कि जो ये जो सारी टीचिंग फैक्टर्स हैं जो सारे विज़न हैं ये, है, ये अलाइन करते हैं विद द विज़न ऑफ होल चाइल्ड एजुकेशन जिस तरह का टीचर एजुकेशन करिकुलम होगा आप उसी तरह का उसी तरह से बच्चों को भी डेवलप करेंगे ओके सो एन सी आर टी एंड एन सी टी ई दिस प्लेज अ वाइटल रोल फॉर स्कूल टीचर्स एंड टीचर एजुकेटर्स टू अटेन देयर प्रोफेशनल ग्रोथ एंड टू अचीव क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन सो एन सी आर टी और एन सी टी ई का बहुत बड़ा योगदान रहा है एक क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करने में टीचर एजुकेशन के ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट